आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI जॉब तक में। दोस्तों, श्रीराम पिस्टन जो कंपनी है उस कंपनी की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भर्ती की जा रही है जिन छात्रों को जॉब की रियल में आवश्यकता है। आप लोग इसके कैंपस प्लेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी की तरफ से जो कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है उसमें आप लोगों को 100% फ्री में जॉब मिलने वाली है। आप लोग 100% फ्री में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा। जो छात्र इन दोनों को क्लियर करेंगे उनका 100% इस कंपनी में फ्री में सिलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ट्रेनी पोस्ट पे फिलहाल में कंपनी की तरफ से भर्ती कर रही है। कोई भी कंपनी फ्रेशर छात्रों के लिए भर्ती करती है तो फिलहाल शुरुआत में ट्रेनी पोस्ट पे उन बच्चों को रखा जाता है। तो आप लोगों को एक साल तक के लिए श्रीराम पिस्टन कंपनी में ट्रेनी पोस्ट पे काम करना होगा। उसके बाद कंपनी आप लोगों को परमानेंट कर लेगी। परमानेंट तो शुरू से ही रहता है, लेकिन उसके बाद जो आपको डेजिग्नेशन कंपनी में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे आप कोई भी काम कंपनी में दिया जाएगा आप लोगों को, वो आप प्रॉपरली करना सीख जाएंगे, उसी हिसाब से आप लोगों को कंपनी की तरफ से डेजिग्नेशन दे दी जाएगी। इसमें 10th 12th ITI वाले जितने भी छात्र हैं वो सभी छात्र कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसे ही जॉब की अपडेट फ्री में मिलती है। तो जो छात्र नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसे ही जॉब की अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग लिमिटेड। ये कंपनी ट्रेनी पोस्ट पे भर्ती कंपनी के द्वारा अभी फिलहाल में निकाली गई है। अलवर राजस्थान में ये कंपनी है, ठीक है, वहीं के लिए कंपनी में वैकेंसी है। जो छात्र अलवर राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं तो अलवर राजस्थान में कंपनी के लिए वैकेंसी कंपनी के द्वारा निकाली गई है। फ्रेशर बच्चों के लिए कंपनी में हायरिंग है। एज ए फ्रेशर जितने भी छात्र हैं वो जॉब के लिए अप्लाई आप लोग जो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें खाने की, रहने की और PF ESI ये सारी सुविधाएँ आप लोगों को कंपनी की तरफ से मिलने वाली हैं। मंथली सैलरी आप लोगों को जो कंपनी की तरफ से मिलने वाली है वो 10,328 रुपये से 10,982 रुपये तक आप लोगों को सैलरी कंपनी के द्वारा दी जाएगी। PF की सुविधा कंपनी में अवेलेबल है। ये जो 10,982 रुपये हैं वो PF कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे। ESI की सुविधा, कैंटीन की कटौती के बाद, ये सब कटने पिटने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 10,982 रुपये के समथिंग आप लोगों को मिलने वाली है। ग्रॉस जो सैलरी आपकी रहेगी 12,935 से 13,685 रुपये तक आप लोगों की ग्रॉस सैलरी रहने वाली है। और जो कंपनी में आप लोगों का CTC रहेगा वो 15,905 रुपये से 16,822 रुपये तक आप लोगों का CTC कंपनी की तरफ से रहने वाला है। इन एंड जो मिलेंगे वो 10,982 रुपये आप लोगों को हर मंथ आप लोगों को मिलेंगे। कंपनी में ओवर टाइम की भी सुविधा है। यदि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो डेली कंपनी में ओवर टाइम कर सकते हैं। उसके आप लोगों को 104 रुपये घंटे के हिसाब से ओवर टाइम कंपनी में आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 2008 के बाद पास आउट जितने भी ITI वाले बच्चे हैं वो सभी बच्चे जो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ITI 2008 के बाद कंप्लीट हुई हो, ठीक है। ITI में ट्रेड मांगे गए हैं, जैसे फिटर वाले बच्चे हैं वो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टर्नर वाले बच्चे, मशीनिस्ट, फाउंड्री मैन, इलेक्ट्रीशियन और MMB, ठीक है। अभी फ़िलहाल में जो भर्ती निकल कर आई है उसमें सिर्फ इन्हीं ट्रेड वाले बच्चों के लिए भर्ती निकल कर आई है। आप लोगों ने इनमें से किसी भी एक ट्रेड से यदि ITI की हुई है तो आप इस श्रीराम पिस्टन रिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है, और आप लोग जो भी बच्चे जाएंगे आप लोगों को काफ़ी अच्छा माहौल वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अदर जो और कंपनियां उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। 12th से भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI नहीं की हुई है। यदि आपने साइंस से, आर्ट से, मैथ से किसी से भी किया हुआ, 12th किया हो तो आप इस जो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 10th से भी कर सकते हैं, ठीक है। 10th से ITI नहीं की हुई है तो 10th से भी इस कंपनी में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप लोगों को कंपनी में सैलरी दे दी जाएगी। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक रिज्यूम चाहिए, एक रिज्यूम आप लोगों को लेके जाना है। जो बच्चे जाना चाहते हैं अपने साथ एक रिज्यूम ले जाएं, 10th की मार्कशीट ले जाएं, ITI की हुई है तो उसके सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाने हैं। एक आधार कार्ड आप लोगों को, तब चाहते हैं तो आधार कार्ड लेकर जाना है। एक पैन कार्ड और बैंक की किताब, 4 से 5 फ़ोटो, ये नॉर्मल से जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सभी आप लोगों को लेकर जाने हैं, ठीक है। फोटोकॉपी आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स अभी अवश्य करा के लेना है। कंपनी के द्वारा जो कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाएगा वो 19 फरवरी को लगाया जा रहा है। जो छात्र जाना चाहते हैं आप लोग सुबह 10 बजे से पहले फॉर्मल ड्रेस पहनकर, फॉर्मल शूज़ पहनकर और अपने जितने भी सभी डॉक्यूमेंट्सों को लेकर आप लोगों को गवर्नमेंट ITI धेमेता हिमाचल प्रदेश, ठीक है, धेमेता हिमाचल प्रदेश में ये कंपनी के द्वारा कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट थे, सर हिमाचल प्रदेश की कोई वैकेंसी बताइए। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश के बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इसके कैंपस प्लेसमेंट में जाकर आप इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं या आपके कोई मिलने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक हमारी इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, ताकि ज़रूरतमंद
बच्चों को ये जॉब मिल सके और वो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल पर ऐसी ही डेली जॉब की जानकारी फ्री में आप लोगों को मैं लेकर आता हूँ, वो भी ऐसी आप लोगों को जॉब की अपडेट मिलेंगी जिनका फ्री में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना आप लोगों से हम कोई पैसा वगैरह लेते हैं, ना ही ऐसी कोई जॉब की अपडेट लेकर आते हैं जिसका आप लोगों को कोई चार्ज वगैरह देना पड़े। तो जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए डेली ऐसे ही जॉब की अपडेट हम आपके लिए डेली लेकर आते रहें। और यदि आप भी अपने राज्य व शहर के बारे में जॉब की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम अवश्य डाल दें, मैं कोशिश करूँगा वहाँ की तब भी वैकेंसी निकल के आएँ तो उसकी अपडेट अपने चैनल पर आप लोगों के लिए अवश्य लेकर आऊँ।